हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम फायर एक्सटिंग्विशर कितने टाइप्स के होते हैं, किस टाइप के फायर के लिए किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। यदि आप इलेक्ट्रिकल एंड मेंटेनेंस फील्ड में वर्क करते हैं तो सही टाइप की फायर के लिए सही टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर सिलेक्शन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल, आपके यहाँ पर पेट्रोल, डीजल या लिक्विड के कारण कहीं पर आग लगी है और आपने वहाँ पर वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया, तो वहाँ पर जो आपकी फायर है वो कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ने लगेगी। तो सही टाइप की फायर के लिए सही टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर सिलेक्शन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के वीडियो में हम काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं फायर कितने टाइप्स की होती है एंड किस टाइप की फायर के लिए हमें किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या होता है। तो जो फायर होती है, फायर का मतलब होता है आग और एक्सटिंग्विशर का मतलब होता है बुझाने वाला। तो फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब होता है आग बुझाने वाला, या हम इसे हिंदी में अग्निशामक यंत्र भी कहते हैं। चलिए, कहीं पर भी आग लगने के लिए हमें वहां पर तीन चीज चाहिए। पहला ईंधन, जो कि डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, पेट्रोल, केमिकल, प्लास्टिक, रबर, कुछ भी हो सकता है। सेकंड, वहां पर टेम्परेचर होना चाहिए और थर्ड, वहां पर ऑक्सीजन होना चाहिए। यदि इन तीन में से कोई भी एक चीज़ नहीं होती है तो वहां पर फायर नहीं हो सकती। अब देखिए, टेम्परेचर और ऑक्सीजन तो फिक्स्ड होता है, बट यह जो ईंधन होता है यह डिफरेंट डिफरेंट होता है, जैसे कि पेट्रोल, केमिकल, रबर, प्लास्टिक, गैस, लिक्विड, कुछ भी हो सकता है। तो इसी ईंधन के कारण, डिफरेंट डिफरेंट ईंधन होने के कारण जो फायर है उसे कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। चलिए हम समझ लेते हैं फायर को कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। इंटरनेशनल देखा जाए तो 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बट हाल ही में उसे 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। चलिए हम एक एक कर समझ लेते हैं। फर्स्ट, हमारे पास जो टाइप्स ऑफ फायर आती है वो आती है क्लास ए फायर। जो क्लास ए फायर होती है, कंबस्टेबल मटेरियल्स के कारण जो फायर होती है उसे हम क्लास ए फायर में कहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, रबर, पेपर, कॉल, क्लोथ्स, इनके कारण यदि कहीं पर फायर होती है तो उसे हम क्लास ए फायर के अंतर्गत कहते हैं। क्लास बी फायर में देखा जाए तो फ्लेमेबल लिक्विड्स, और फ्लेमेबल लिक्विड्स देखा जाए तो पेट्रोल, डीजल, पेंट्स, ऑयल, इन चीज़ों के कारण यदि कहीं पर फायर होती है तो उसे हम क्लास बी फायर में कहते हैं। क्लास सी कैटेगरीज में देखा जाए तो फ्लेमेबल गैसेस के कारण यदि कहीं पर फायर होती है, जैसे कि एलपीजी, हाइड्रोजन, मेथेन, इनके कारण कहीं पर फायर होती तो क्लास सी कैटेगरीज में आती है। क्लास डी में देखा जाए तो कंबस्टेबल मेटल्स, यदि कि जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, टाइटेनियम, इनके कारण यदि कहीं पर फायर होती तो क्लास टी फायर में क्लासिफाइड किया गया है। जो क्लास ई फायर होती है उसे हम इलेक्ट्रिक फायर के नाम से जानते हैं। जो इलेक्ट्रिक फायर होते हैं, जैसे कि कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट हो जाना, ट्रांसफॉर्मर में कोई फायर हो जाना, जनरेटर में कोई फायर हो जाना, कंप्यूटर के कारण कोई फायर हो जाना, दैट मीन्स कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल के कारण कहीं पर भी कोई फायर होती है तो उसे हम क्लास ई फायर में क्लासिफाइड करते हैं। अब अगला आता है क्लास एफ, और इसे हम क्लास के फायर के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि किचन में, हाउस किचन में कोई फायर हो जाना, कुकिंग ऑयल के कारण या फैट्स के कारण कहीं पर फायर होती है तो उसे हम क्लास एफ आर के कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। तो ये कुछ फायर थे जिसे हमने फायर को टोटल 6 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। अब हम समझ लेते हैं किस टाइप की फायर के लिए किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाएगा। सबसे पहले हम फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में समझ लेते हैं। जो सबसे पहला हमारा फायर एक्सटिंग्विशर आता है वो आता है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। जो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है का यूज क्लास ए फायर के लिए किया जाता है, दैट मीन्स पेपर, क्लोथ्स, रबर, प्लास्टिक, इन मटेरियल्स के कारण यदि कहीं पर फायर होती है तो वहां पर वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। और वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर जो वाटर होता है, और देखिए इसकी पहचान किस तरह की जाएगी कि फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा होता है, इसका कलर तो बेसिकली डार्क रेड होता है या ब्राइट रेड आप कह सकते हैं, बट इसके ऊपर जो लेबल होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लेबल होता है वो व्हाइट कलर का होता है, और आपको यहाँ पर दिया भी गया होगा किस टाइप की फायर के लिए इसे यूज करना है। तो ए क्लास की फायर के लिए हम बेसिकली वाटर टाइप का जो हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर होता है यूज किया जाता है। इसे हमें कहाँ पर यूज नहीं करना चाहिए यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यदि कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फायर होती है या किचन फायर में बेसिकली देखा जाए तो किसी ऑयल के कारण या लिक्विड के कारण
या गैस के कारण कहीं पर फायर होती है तो वहां पर हमें वाटर टाइप फायर एक्सटिंगशर का यूज नहीं करना है। चलिए अगला फायर एक्सटिंगशर जो आता है वो आता है फोम टाइप फायर एक्सटिंगशर। जो फोम टाइप फायर एक्सटिंगशर होता है उसका यूज बेसिकली क्लास बी कैटेगरीज की जो फायर होती है, जैसा कि फ्लेमेबल गैस, फ्लेमेबल लिक्विड्स, जैसा कि पेट्रोल, डीजल, पेंट्स, ऑयल, इनके कारण यदि कहीं पर भी फायर होती है तो वहां पर हम फोम टाइप के फायर एक्सटिंगशर का यूज करते हैं। इसका यूज हम क्लास ए कैटेगरीज की जो फायर होती है उसमें भी कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, रबर के कारण यदि कहीं पर कोई फायर होती है तो वहां पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली देखा जाए तो फोम होती है या झाग हम इसे कह सकते हैं। इसकी पहचान किस तरह की जाए तो इसका जो कलर होता है लेबल का वह क्रीम होता है या फिर लाइट येलो भी आप कह सकते हैं। गया है देखिए फॉर्म जहां पर लिखा गया है ये लाइट क्रीम कलर का होता है और इसके ऊपर आपको दिया गया होगा कि ये किस टाइप के फायर के लिए यूज किया जाएगा। तो जो फॉर्म टाइप का फायर एक्सटिंगशर होता है उसे आप क्लास बी फायर के लिए भी यूज कर सकते हैं एंड क्लास ए फायर के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसे हमें कहां पर यूज नहीं करना है तो इलेक्ट्रिक फायर में यूज नहीं करना, क्योंकि यदि इलेक्ट्रिक कोई भी कंपोनेंट, सपोज ट्रांसफॉर्मर में कोई आग लगी, आप यदि वहां पे फोम का यूज करते हो तो जो आपका ट्रांसफॉर्मर में है उसमें काफी ज्यादा डस्ट भी जमा हो जाएगी, तो वहां पर आपको यूज नहीं करना। कहीं पर भी मेटल के कारण कोई आग लगी है तो वहां पर भी आपको फोम टाइप फायर एक्सटिंगशर का यूज नहीं करना है। अगला फायर एक्सटिंगशर आता है हमारे पास ड्राई पाउडर एक्सटिंगशर। जो ड्राई पाउडर एक्सटिंगशर होता है इसे हम डीसीपी के नाम से भी जानते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर। जो ड्राई पाउडर एक्सटिंगशर होता है इसका यूज हम क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी तीनों टाइप की फायर के लिए कर सकते हैं। दैट मीन्स कहीं पर भी यदि प्लास्टिक, गैस या फ्लेमेबल लिक्विड या फ्लेमेबल गैसेस के कारण कहीं पर फायर होती है तो वहां पर हम ड्राई पाउडर एक्सटिंगशर का यूज कर सकते हैं। इसे हम क्लास ए बी सी फायर एक्सटिंगशर के नाम से भी जानते हैं। इसकी पहचान किस तरह की जाएगी तो इसके ऊपर जो लेबल यहाँ पे दिया गया है वह ब्लू कलर का दिया गया है और उसके ऊपर आपको पाउडर इस तरह से लिखा गया होगा। इसका यूज हम ए बी सी तीनों कैटेगरीज की फायर के लिए कर सकते हैं। इसे कहां पर यूज नहीं करना, तो जहां पर भी इलेक्ट्रिक फायर होती है वहां पर यूज नहीं करना है। कुकिंग ऑयल की फायर के लिए भी इसका यूज हमें नहीं करना है। अगला फायर एक्सटिंगशर आता है CO2 टाइप फायर एक्सटिंगशर। जो CO2 फायर एक्सटिंगशर होता है उसका यूज हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फायर के लिए करते हैं या फ्लेमेबल लिक्विड्स के कारण कहीं पर फायर होती है तो वहां पर हम CO2 टाइप फायर एक्सटिंगशर का यूज करते हैं। इसकी पहचान किस तरह की जाएगी तो यहाँ पर आपको जो लेबल दिया गया है ये ब्लैक कलर का दिया है और इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 लिखा हुआ दिया गया होगा। बेसिकली जहां पर भी इलेक्ट्रिक फायर होती है तो वहां पर हम CO2 टाइप के फायर एक्सटिंगशर का यूज करते हैं। इसका यूज हमें कहाँ नहीं करना चाहिए, तो जैसे कि किचन में कोई फायर होती है, पेपर में कोई फायर होती है, वुड फ्लेमेबल मटेरियल्स के कारण कोई फायर होती है, वहां पर हमें CO2 टाइप के फायर एक्सटिंगशर का यूज नहीं करना है। अगला और लास्ट जो फायर एक्सटिंगशर आता है वह आता हमारे पास वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंगशर। जो वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंगशर होता है उसका यूज बेसिकली हम कुकिंग ऑयल्स या फैट्स या किचन में इसका यूज किया जाता है। इसकी पहचान है कि इस पर जो लेबल लगाया गया होगा वो येलो कलर का यहाँ पे लगाया गया होगा और उसके ऊपर वेट केमिकल भी लिखा होगा। देखिए येलो कलर का इस पर लेबल लगाया गया है। इसका यूज हमें कहाँ पर नहीं करना है, तो फ्लेमेबल लिक्विड्स या गैस के कारण या इलेक्ट्रिक फायर जहाँ पर होती है वहाँ पर हमें वेट केमिकल फायर एक्सटिंगशर का यूज नहीं करना है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो फायर कितने टाइप्स की होती है एंड किस टाइप की फायर के लिए हमें किस टाइप का फायर एक्सटिंगशर यूज करना चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। तो आज के लिए इतना ही।